चलिए टॉपिक हम लोगों का अभी क्या है, करेंट टॉपिक मोशन अलोंग सर्कुलर ट्रैक, मोशन अलोंग सर्कुलर ट्रैक विथ फ्रिक्शन। अभी हम लोग फ्रिक्शन का यूज करेंगे। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है तो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के मदद से वो हेल्प कर रहा है। तो जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर इसके ऊपर मैं किसी आदमी को खड़ा कर दूँ, इसको मैं खड़ा कर दूँ, ये सन्नी देओल मान लो, देखो ना सन्नी देओल है ना, ये मान लो सन्नी देओल, ओके। ये सर्कुलर पाथ में बॉडी क्या हो रही है, मूव कर रही है। इनकी गाड़ी जो है, व्हीकल जो है, क्या कर रही है, चारों बगल मूव कर रही है, ओके। तो ये जो मूव कर रही है, ये कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है या एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है? कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है? ये है एक्सेलरेटिंग और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और कौन सा है भाई? रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम नॉन इनर्शियल कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं। इसमें अभी हमारे सन्नी पाजी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। सन्नी पाजी है, ये चारों बगल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो मूव करने की वजह से जो गाड़ी है ना, गाड़ी चाहेगी बाहर की ओर जाए, स्केटिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उनके ऊपर क्या महसूस होगा, इनको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस होगा, है ना, एक फोर्स महसूस होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उनको बाहर की ओर धकेलेगा। लेकिन वो देख रहे हैं कि वो गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। गोल गोल चक्कर काटने की वजह से वो यही सोचेंगे कि उनके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, क्योंकि बाहर की ओर उनको फील हो रहा है कि हाँ मेरे ऊपर बाहर की ओर फोर्स लग रहा है। लेकिन कहीं बाहर की ओर जा भी नहीं रहे, धकेले भी नहीं जा रहे। इसके वजह से उन्होंने क्या कहा कि एक और फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ बैलेंस कर रहा है। इसीलिए बॉडी क्या हो रही है, मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में। अगर फ्रिक्शन कमजोर हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया, तो क्या करेगा, बॉडी स्कीड कर जाएगी, बाहर चला जाएगा। जो अक्सर है एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट में आपको देखते होंगे, जहाँ टर्निंग आती है, स्कॉर्पियो की ज़्यादा स्पीड अगर हो जाए तो क्या करेगी, टर्निंग मारेगी, लेकिन टर्निंग में गाड़ी क्या होगी, पलट जाएगी, क्या होगा, गाड़ी पलट जाती है ना। तो जो राइट हैंड राइट तरफ जो पहिया होती है वो पलट जाती है ना, ज़्यादा स्पीड होने की वजह से। घुमाएंगे तो घुमाने की वजह से इनर्शिया और रोटेशन, बॉडी क्या होगी, उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगी, घूमेगा नहीं, सीधा जा करके पलट जाती है ना। तो मैक्सिमम स्पीड जो हम पढ़ेंगे, मिनिमम स्पीड फॉर द सेफ टर्निंग, ओके, हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमम स्पीड फॉर द सेफ टर्निंग, उसको हम इसी टॉपिक में पढ़ना है। तो अगर बॉडी आराम से सर्कुलर पाथ में रेडियस भी के साथ अगर मूव कर रहा है तो क्या कंडीशन है, क्या होगा। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम की पहले हम बात करते हैं। इक्विलिब्रियम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सन्नी पाजी का। पहले इनके ऊपर में एक एम जी फोर्स काम कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, और वो एम जी नॉर्मल के बराबर हो रहा है। फिर सन्नी पाजी के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम कर रहा है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं, ओके। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आ रहा है भाई, एम वी स्क्वायर बाई आर है, ओके। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, कौन बैलेंस कर रहा है, बॉडी सर्कुलर पाथ मूव कर रही है, इस फोर्स को बैलेंस करने वाला कौन सा फोर्स है, एक फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, स्लिप तो कर नहीं रही, बॉडी तो स्किप नहीं कर रही है, बॉडी अंदर भी नहीं जा रहा, बाहर भी नहीं जा रहा, अभी सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है। तो नेट फोर्स दोनों डायरेक्शन तरफ क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। वर्टिकल इक्विलिब्रियम में आप देख लीजिए, वाई डायरेक्शन की अगर हम बात करें, अगर हम वर्टिकली को वाई डायरेक्शन अगर हम बोलें, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, ये आप देख लीजिए, सही है। अगर हम एक्स डायरेक्शन तरफ बात करें तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी है, ये कैसा है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ये अभी हम बता रहे थे, ये क्या है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, उतना ऊपर नीचे इस तरह से मूव कर रहा है। दूसरा क्या है, एक्स डायरेक्शन की तरफ हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की हम बात करें, क्या बात करेंगे भाई, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। अगर हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात करें तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स आए, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगी, सीधी सी बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगी।
तो इस टॉपिक में हमको ये पढ़ना है हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, मतलब कि एक्स डायरेक्शन की हम बात करें। एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कुछ इस तरह से होगा। तो फॉर सेफ टर्निंग के लिए क्या होता है? अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो सेफ टर्निंग के लिए क्या होगा? फॉर सेफ टर्निंग आप देखिए क्या होगा कहानी में। फॉर सेफ टर्निंग, अगर कोई गाड़ी व्हीकल आराम से सेफ टर्निंग मार रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से या तो इक्वल टू होगा नहीं तो ज़्यादा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक फोर्स है मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सब तो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। दैट इज इक्वल टू स्टैटिक, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है इसकी मैक्सिमम लिमिट हम जानते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या आ रहा है? mv² बाय r। ओके, ये जो इतना आ रहा है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब लिखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू में हमारे पास इसकी मैक्सिमम स्पीड पता चलेगा कि मैक्सिमम स्पीड कितना से मूव करवाएंगे कि ऑब्जेक्ट सेफ टर्निंग मार जाए, है ना। सेफ टर्निंग के लिए हम लोग आगे की ओर कहानी पढ़ेंगे, इसको इतना देख लीजिए। तो स्टैटिक में एक लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग करते हैं, इसका क्या है मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हमको वी मैक्स निकालना हो तो इसका भी हम fs max निकालेंगे। इसका हम क्या निकालेंगे? fs max। अब पूछेगा कैसा, क्यों? क्योंकि बिकॉज फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, है ना, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है फोर्स। जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, जैसा आप स्पीड दोगे वैसा फ्रिक्शन होगा, कम स्पीड दोगे कम फ्रिक्शन देगा, ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे तो ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ाओगे तो और ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ाएगा, और ज़्यादा बढ़ाओगे तो और ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ज़्यादा बढ़ाते बढ़ाते एक मैक्सिमम लिमिट तक जाएंगे जब ये जो बॉडी की ज़्यादा स्पीड है स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस कहानी में जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास आएगा वी मैक्स की वैल्यू, मैक्सिमम स्पीड की बात में करूँगा उसको, है ना। जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? इक्वल टू ग्रेटर देन mv² / r, है ना। ये मैक्सिमम स्पीड की बात करेंगे फॉर सेफ टर्निंग। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड फॉर द सेफ टर्निंग, अब इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए उसको। ओके, चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे मैक्सिमम स्पीड फॉर द सेफ टर्निंग। क्या है मैक्सिमम स्पीड? भाई अब स्पीड बढ़ाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही बढ़ेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगी, बाहर की ओर जाएगा। सनी बाजी को हमने थोड़ी देर के लिए मान के रखा हुआ है कि बाहर की ओर धकेले जाएंगे। तो सेफ टर्निंग के लिए फ्रिक्शन, स्पीड, रेडियस, इन सब में क्या संबंध है वो हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ स्मॉल आर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने हर जगह स्मॉल आर यूज किया तो स्मॉल आर मान लीजिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम सेफ स्पीड और टर्निंग, दैट इज इक्वल टू वी सेफ भी आप कह सकते हो, है ना, या वी मैक्स भी कह सकते हो, है ना। मैक्सिमम स्पीड फॉर टर्निंग के लिए क्या होगा? ओके, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू होगी, रेडियस तो कांस्टेंट है, तो हमें क्या करना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे यहाँ पे। दैट मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन mv max / r, कुछ इस तरह से आएगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आप जानते हैं क्या आता है? μs normal, दैट मस्ट बी इक्वल टू mv max
स्क्वायर बाय आर। ये क्या है? ये नॉर्मल हमने क्या बताया था इक्विलिब्रियम के लिए, म्यू एस नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी है, दैट मस्ट बी इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर, है ना। इसको आप मैक्स नहीं, आप इसको सेफ बोलो, सेफ अच्छा रहेगा, है ना। सेफ, सेफ मतलब मैक्सिमम जो कुछ भी है, है ना। सेफ स्पीड, सेफ स्पीड फॉर टर्निंग। अब एम से एम कैंसिल हो जा रहा है, आर आप देख ही रहे हैं, वी सेफ जो होगी वो कितना होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू एस आर जी, ओके, रूट अंडर, इससे कम वैल्यू होनी चाहिए। टर्निंग मारने के लिए जो वी सेफ की वैल्यू आएगी, अब कितनी आएगी, इक्वल टू लेस देन म्यू एस आर जी रूट अंडर ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू जीरो नहीं होगा, इक्वल टू जीरो कर देंगे तो बॉडी वहीं मूव, वहीं का वहीं रहेगा, मूव करेगा नहीं। तो इस स्पीड से बराबर और स्पीड से कम और जीरो से ग्रेटर तक होना चाहिए सेफ टर्निंग के लिए, याद रखिएगा इसका, ये रेंज है, ओके। तो ये जो सेफ स्पीड है, ये मैक्सिमम की बात करें, वी सेफ मैक्स, वी सेफ मैक्स की हम अगर बात करें, दैट इज इक्वल टू कितने के बराबर, म्यू एस आर जी रूट अंडर, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब यूएस पे डिपेंड कर रहा है, म्यूएस नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, म्यूएस मतलब क्या हुआ, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट में होंगे उनके संपर्क में। आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्रैक, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, क्या है ये, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। और जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इन तीनों फैक्टर्स को मिला देंगे तो रूट अंडर निकालने के बाद ये चेक होगा, चेक कर सकते हो डैमेज वैल्यू। ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, सॉरी ये मीटर है, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप कितना आएगा, सेफ स्पीड आ जाएगा, ओके। तो इस कहानी से आपको ये समझ में आ गया कि सेफ टर्निंग के लिए म्यू एस जितना ज्यादा होगा उसका क्या होगा, सेफ स्पीड भी ज्यादा बना सकते हैं। रेडियस जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रेडियस होगा उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। रेडियस कम होगा तो सेफ स्पीड भी क्या होगा, कम होता जाएगा। अगर एक कांस्टेंट म्यू एस और जी मान ले तो, और ये प्लैनेट पे भी डिपेंड करता है, अर्थ है कि मार्स है, मार्स है क्या है नहीं है उससे भी डिपेंड करता है, तीन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और तीनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है रूट अंडर, ओके। अगर आर जी कांस्टेंट है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है, अगर रेडियस है तो किस पे डिपेंड करना है, लेंथ पे सिर्फ डिपेंड कर, रेडियस पे डिपेंड कर, रेडियस बड़ा तो सेफ स्पीड भी ज्यादा, कम तो कम सेफ स्पीड, म्यू एस पे भी डिपेंड कर रहा है, इन सब फैक्टर्स पे इसमें डिपेंड कर रहा है, ओके, आप इसको समझ लीजिए। इसके बाद अगर हम सोचते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड भी मैक्स ज्यादा हो गई तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ओवरटर्न, ऑब्जेक्ट विल गेट ओवरटर्न। अगर इस स्पीड, ये जो सनी पाजी गाड़ी है, इसकी स्पीड ग्रेटर देन वी मैक्स हो गया, वी सेफ हो गया, देन इट विल ओवरटर्न, क्या होगा ये, ओवरटर्न, पलट जाएगा, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है या दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, याद रखिएगा। अगर इस स्पीड से ज्यादा गाड़ी की स्पीड हो गई तो क्या होगा, दुर्घटनाग्रस्त होगा। कारण क्या है, कारण यह है कि इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ग्रेटर देन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन भी वहां रोकने के लिए ना काफी होगा, फ्रिक्शन भी उसको नहीं रोक पाएगा, ओवरटर्न होके रहेगा, ओके। इसीलिए मैंने कहा भी सेफ स्पीड में मैक्सिमम स्पीड की बात किया, मिनिमम की बात नहीं किया, मिनिमम में ग्रेटर देन जीरो है लेकिन मैक्सिमम ये मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कुछ इस तरह से होगी,
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने इस टर्न पे इतने स्पीड से गया, सेफ टर्न लिखा हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मैं 60 गया तो भी कुछ नहीं हुआ। तो सेफ टर्न जानबूझ के कम किया हो, अगर ज़्यादा करेगा तो ऑब्जेक्ट आदमी क्या करेगा, उससे ज़्यादा पढ़ाई करेगा, है ना। तो सेफ टर्न जो स्पीड कहीं पे लिखा रहता है वो क्या रहता है, जानबूझ के कम लिखा रहता है कि आप धीरे धीरे जाएं, एक्सीडेंट को बढ़ावा ना दें, है ना। ज़्यादा स्पीड से नहीं गाड़ी चलाने का, एक्सीडेंट हो सकता है गाड़ी, है ना, क्योंकि स्पीड ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन कंट्रोल करवाना मुश्किल है। स्पीड ज़्यादा बुरा चीज़ नहीं है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, दैट इज द मेन फैक्टर। ठीक है, कम स्पीड रहेगा तो आदमी हर चीज़ कंट्रोल में कर सकता है, ज़्यादा स्पीड में कंट्रोल नहीं है भयानक एक्सीडेंट होते हैं, है ना। तो सेफ टर्निंग के लिए एक सेफ स्पीड की जरूरत पड़ती है, और वो सेफ स्पीड मैक्सिमम होगी कितनी होगी, म्यू एस आर जी, रूट अंडर म्यू एस आर जी, इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा, इन तीनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा, आप इसको समझ लीजिए। ओके चलिए, जो नॉर्मली म्यू एस होती है रबर टायर्स और रोड के बीच में 1 होती है, जो कंपनियां बनाती है MRF टायर्स हो गया, अपोलो जो कुछ भी है, नॉर्मली क्या होते हैं 1 होती है, 1 1, इसको रखिए नंबर है RG, रूट अंडर RG पर डिपेंड करेगा, जितना आएगा उतना हम लिखेंगे, है ना। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, इसको पता करते हैं, इसको पता करते हैं, इसको पता करते हैं, फिर सेफ टर्निंग का वैल्यू बताते हैं कि आखिर सेफ टर्निंग है कितना होगा, किसी पार्टिकुलर रोड के लिए, किसी पार्टिकुलर टायर के लिए कितनी सेफ स्पीड होगी, वो डिसाइड करते हैं। ऐसे ही डिसाइड नहीं करते, इन सब चीज़ों को डिसाइड करते हैं सिविल इंजीनियर्स, है ना, डिसाइड करते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं, सेफ स्पीड के बारे में बात कर रहे थे, तो VS क्या लिखे थे, रूट अंडर म्यू एस आर जी। ओके, तो क्वेश्चन में ये है कि एक रोड बनाना है ना, तो इंजीनियर साहब ने क्या क्या नोट किया, म्यू एस नोट किया, दैट इज इक्वल टू 1 नोट किया, MRF का टायर था, रोड था, रेडियस को उन्होंने माना कितना 0.1 मीटर, इतना बनाया, जी को उन्होंने लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बताइए व्हाट इज द सेफ स्पीड, सेफ स्पीड क्या होगा, व्हाट इज द सेफ स्पीड, रूट अंडर म्यूवस की वैल्यू कितना हो गया, म्यूवस की वैल्यू आ रही है 1, रेडियस कितना लिया 0.1, है ना, और ये कितना आया 10, तो ये कैंसिल होने के बाद यह आया कितना 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा 18/5 किलोमीटर पर। ओके चलिए, ये बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, μs इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं और रेडियस इज इक्वल टू 10 मीटर, तो आप सेफ स्पीड बताओगे क्या होगा, ये आपका होमवर्क है। ओके सेकेंड, अगर मैंने जी को, ये तो होमवर्क है ले लीजिएगा, अगर मैं जी को 9.8 बता दूं, है ना, इसको बता दूं 9.8 और इसको बना दूं मैं 2 मीटर, है ना, इसको बना दूं मैं 2 मीटर, ओके, या 0.2 मीटर बना दूंगा इसको, है ना, 0.2 मीटर बना दूँ, उस केस में बताइएगा सेफ स्पीड क्या होगा, इन ऑल द केसेस आपको निकालना है सेफ स्पीड। ओके चलिए क्वेश्चन, अगर 1 मीटर पर सेकेंड से इस सर्कल में अगर मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सर्कल में ही रहेगा, कि इससे ज़्यादा स्पीड हुआ तो ओवरटर्न मार देगा। चलिए एक सर्कुलर ट्रैक की हम कहानी पढ़ रहे हैं, इस पर कोई गाड़ी मूव कर रही है, रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर, ओके, म्यूएस जो है वो दिया हुआ है 0.0.1
0.2 दिया हुआ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जो दिया हुआ है 9.8, ओके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। इसके बावजूद जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ स्पीड से, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो और जो जिस स्पीड से मूव कर रहा है दैट स्पीड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। विल इट ओवरटर्न और नॉट, विल इट ओवरटर्न और नॉट, क्या ये ओवरटर्न करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हमको पढ़ना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग वी एस से स्पीड निकालेंगे। फॉर्मूला में क्या निकालते हैं, म्यू एस आर जी, म्यू एस क्या है 0.2, रेडियस कितना है, रेडियस है 10 मीटर और जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इसको ये कैंसिल कर रहा है ना, इसको ये क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। अब इसको 1 मीटर ही मान लो, है ना, इसको 1 मीटर मान लेते हैं। अब बताइए क्या होगा, इसको 1 मीटर मानते हैं तो क्या होगा, 2 into 7 है ना बाय 10, मतलब ये आ रहा है 1.4 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिएगा इसको, है ना, देख लीजिए सही है या नहीं सही है। ये आ रहा है आपका कितना 1.4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, इसीलिए ओवरटर्न मारेगा। आपका सेफ स्पीड क्या है, सेफ स्पीड जो स्पीड है ग्रेटर देन कितना है, सेफ स्पीड, इसलिए क्या होगा, इट विल ओवरटर्न, ये पलट जाएगी, ये क्या होगी, गाड़ी क्या होगी, पलट जाएगी, ओके। चलिए ये पलट जाएगी, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, आपको जानना होगा, कभी कहीं के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता देता है पता करने के लिए, तो मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ, आप खुद क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हो। मान लो क्वेश्चन में सेफ स्पीड दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, रेडियस दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, रेडियस दे दिया 10 मीटर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो म्यू एस बताइए, उस रोड का म्यू एस बताइए फॉर सेफ टर्निंग, फॉर सेफ टर्निंग, सेफ टर्निंग के लिए, ओके। इस तरह से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है, आगे चलेंगे देखेंगे।